हेलो मेरे ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि ब्लॉसम सिटी का वीडियो डालिए, बहुत दिन से डाले नहीं है वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत दिन से कोई भी इधर का मतलब बिल्डिंग का जो वीडियो है ना, रूम वाल क्लस्टर 5 का, उसका मैं नहीं डाली हूँ। और क्लस्टर 6 के लिए भी मतलब आ रहे थे रिक्वेस्ट, तो मैं सोची इसलिए बहुत मतलब एक दो महीना तो हो गया, एक दो महीना से लगभग मैं कोई भी वीडियो नहीं डाली हूँ। तो आज मैं सोची कि चलिए आज मैं डाल ही देती हूँ वीडियो। तो आज का वीडियो में मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, नया क्या क्या यहाँ पे हुआ है क्लस्टर 4 और क्लस्टर 5 के बीच में। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे अगर कहीं से भी आए होंगे फर्स्ट टाइम, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही 6000 सब्सक्राइबर हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही सपोर्ट कर कर 10000 जब सब्सक्राइबर हो जाता है यूट्यूब पे, तो बहुत सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं जैसे स्टोरी वगैरह का। तो वो मेरी भी तमन्ना है कि जल्दी से मेरा भी वो ख्वाहिश पूरा हो जाए और मुझे भी वो सारा ऑप्शन मिले जो एक यूट्यूबर को मिलता है, जो मतलब 10000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी से 10000 करवा दीजिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, जा रही हूँ मैं दिव्यांश को स्कूल छोड़ने। और यहाँ पे देखिए कुछ आज व्यू इस तरह का है, बहुत ही सुहाना लग रहा है मौसम। बारिश आज नहीं हो रहा है, बारिश थोड़ा सा कम है, आज दो दिनों से बारिश थोड़ा सा कम ही है। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, जा रही हूँ स्टेडियम के इधर। तो स्टेडियम की इधर स्टेडियम जो है ना, उसमें पत्रा लग गया है। जो सीटिंग का एरिया है, सीटिंग वगैरह जो बैठने के लिए बनाया गया है वहाँ पे स्टेडियम में, उसके ऊपर पूरा पत्रा कवर कर दिया गया है ताकि कुछ भी प्रोग्राम वगैरह शायद होगा तो बारिश में कोई प्रॉब्लम ना हो, बारिश या धूप से बच सकते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी हम चलेंगे स्टेडियम के अंदर और मैं वहाँ से फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी अच्छे से। और आप सब लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो को, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं वो कमेंट मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर, खासकर एक वीना पुजारी जी हैं जो कि हर एक वीडियो मेरा देखती हैं और कमेंट करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सच में दिल से मतलब एक धन्यवाद निकलता है उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इस तरह का पत्रा यहाँ पे लगा दिया गया है जो सिटिंग एरिया है उधर। और बादल देखिए किस तरह से घना घना बादल एकदम काले काले उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगा, पर बारिश इस साल उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। मतलब जितना भी सिटिंग बनाया गया था ना यहाँ पर, हर जगह मतलब ये पत्रा लगा दिया गया है। देखिए सामने में भी आपको दिख रहा है, मतलब हर तरफ चारों तरफ ये आपको सिटिंग एरिया दिखेगा। और बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, पर अभी तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। इसका रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं अभी तक ओपन किया गया है। ये शायद या तो अभी कुछ फिनिश नहीं हुआ है काम, इसका कुछ तो बाकी होगा, अनफिनिश्ड होगा, या क्या है रीज़न पूरा अभी नहीं पता है मुझे। और यहाँ पे सामने से हमारा बिल्डिंग दिख रहा है, और ये जो नारियल है कि क्या है पता नहीं, ये जो पेड़ लगाया गया है बीच बीच में, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। सामने से कासा बेला का एरिया आपको दिख रहा है, एक्सपीरिया मॉल जिसमें है वही पलावा दिख रहा है सामने से। मतलब ऐसे देखने से कितना नज़दीक लगता है पर है दूर। अब हम चलते हैं आगे, तो अभी हम चलेंगे ब्लॉसम सिटी की तरफ और सेंट्रल पार्क की तरफ, तो उधर का व्यू आपको दिखेगा। हमारा सोसाइटी का मेन गेट है स्कूल के सामने, वहाँ से ब्लॉसम का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है बिल्डिंग। आगे और भी दिखाऊंगी ब्लॉसम का बिल्डिंग का व्यू, तो बने रहिए लास्ट तक। फिलहाल मैं आ गई हूँ सेंट्रल पार्क में, तो सेंट्रल पार्क में से देखिए क्लस्टर 6 का दिख रहा है बिल्डिंग।
ये भी काम ऊपर तक आ गया है, इसमें भी मैं देख रही हूँ कि काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और आगे यहाँ पे और भी कुछ कुछ नया अभी ओपन हुआ है काम, वो भी मैं अगला ब्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे सेंट्रल पार्क में अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ, बाबू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, कभी कभी बारिश नहीं रहता है तो। यहाँ पे शाम के टाइम पे मैं जब आती हूँ ना तो कई सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं मेरे, और जब भी सब्सक्राइबर लोग मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ब्लॉसम बिल्डिंग दिख रहा है आपको सेंट्रल पार्क से, सेंट्रल पार्क में मैं घूम रही हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। तो सामने से इस तरह का देखिए, मैं सेंट्रल पार्क का भी कुछ व्यू दिखा रही हूँ आपको, और फिर अगर कैमरा हम उस साइड करेंगे तो ब्लॉसम भी दिखेगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। यहाँ पे देखिए ब्लॉसम दिख रहा है, मतलब एक तरफ जो ब्लॉसम दिख रहा है आपको एकदम फिनिश्ड दिख रहा है काम, देखिए यहाँ पे ये वाला, और एक तरफ है जो अभी चालू है। सामने से यहाँ पे सेंट्रल पार्क का गेट है, जो कि अभी हम यहाँ से निकल के और घर जाएंगे, तो यहाँ से अभी चलिए निकलते हैं। और सेंट्रल पार्क का तो बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही आ चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार देखिएगा। पार्क बहुत सुंदर बना हुआ है, अंदर में झूले स्लाइड सब कुछ है बच्चों के लिए। तो अभी हम चलते हैं बाहर, और यहाँ पे ये स्कूल है। तो अभी मैं ब्लॉसम बिल्डिंग के पास से ही फिर गुजरते हुए जाऊँगी घर। तो यहाँ पे ब्लॉसम का दुकान अगर देखा जाए तो दुकान तो बन के तैयार है, देखिए शटर वगैरह सब लग चुका है, पर अभी शायद चालू नहीं, ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग का काम अभी इधर आगे का थोड़ा बाकी है। जैसे ही शायद बिल्डिंग का काम एक बार आगे का हो जाएगा तब शायद ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सीढ़ी भी बन चुका है, देखिए ब्लॉसम का मेन गेट शायद यहाँ पे होगा। तो ब्लॉसम और क्लस्टर 4 और क्लस्टर 5 के बीच में यहाँ पे आपको नया दिखेगा एक बस स्टॉप, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता है, पर जो लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं उनके लिए नया होगा बस स्टॉप। और ये बस स्टॉप से काफ़ी आराम हो गया है पब्लिक को, यहाँ पे बस का ऑटो का इंतज़ार कर सकते हैं बारिश में, और स्कूल वाले बच्चे लोगों को भी सुबह में बहुत इससे आराम हो गया है, वो लोग भी यहाँ पे अपना बस का मतलब इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। और यहाँ पे अभी मैं जाऊँगी ऊपर फायर रैंप की तरफ, तो यहाँ पे मैं LG से जा रही हूँ फायर रैंप की तरफ। यहाँ पे ब्लॉसम का कुछ क्लिप आपको दिखेगा, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे ब्लॉसम के सब्सक्राइबर हैं, ब्लॉसम वाले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी को उनके सपनों का घर दिखे और खुश हो जाए, वो अपना घर देखे कि अरे मेरा घर तो तैयार हो गया है, उनको ऐसा लगे, ये वाली फीलिंग है उनको, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी होती है यार। घर लोग बहुत मुश्किल से खरीदता है, हर किसी की तमन्ना है कि मेरा अपना घर हो। और यहाँ पे देखिए ब्लॉसम के आगे का ही ये सब एरिया है, यहाँ पे क्लस्टर 5 और क्लस्टर 4 के बीच में यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है, मतलब पब्लिक को इधर आना जाना अलाउड नहीं है, तो हम आगे नहीं जाएंगे अगर अलाउड नहीं है तो। हम इधर से ही मतलब अपने सोसाइटी से ही मैं वीडियो बना रही हूँ, उधर मैं नहीं जा रही हूँ आगे, या इधर मतलब अंदर फायर रैंप की तरफ से जाएंगे तो P2 पे जा सकते हैं हमारे क्लस्टर 4 में। और यहाँ पे देखिए आपका घर देख लीजिए अच्छे से, कैसा लग रहा है आपका घर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और इधर आगे देखिए मिट्टी वगैरह पूरा भर दिया गया है, इधर पेड़ पौधे सब लगा दिया जाएगा। और आगे का व्यू और मैं आपको दिखाती हूँ, सामने से इधर से देखिए पलावा कितना खूबसूरत दिख रहा है, कासा बेला का एरिया, और मौसम बहुत ही सुहाना है। बारिश में इस तरह का मौसम जिस दिन करता है ना, मतलब थोड़ा सा मौसम जब बारिश का रुका हुआ रहता है, जब बारिश होने वाला रहता है, वो मौसम मुझे बहुत पसंद है। आप सब लोग बताइएगा आपको, मतलब आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद है, बारिश होते हुए या ये वाला मौसम। वैसे पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी तो होना ही चाहिए, पर ये वाला मौसम मेरा फेवरेट है, बहुत ही पसंद है मुझे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में।